さんこんばんは。お元気ですか？今日は第1課のビデオを撮っています。はい。आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 के बारे में। ये सीरीज आपके JLPT N3 लेवल के लिए मैं स्पेशली बना रहा हूँ कि आपका जो है N3 लेवल के लिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या फिर जिन्होंने अब तक शुरू किया है या फिर जो अपना रिवीजन लेना चाहते हैं तो इन सब वीडियोस से अपनी JLPT N3 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत काफ़ी अच्छा कोर्स है ड्यू का ये JLPT N3 के लिए। JP3 इस कोर्स को बोलते हैं, जैपनीज लैंग्वेज में एडवांस डिप्लोमा, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन जैपनीज लैंग्वेज। ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कोर्स होता है। तो एक साल का कोर्स होता है बेसिकली। आप इसमें चाहो तो डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा बहुत जैपनीज पढ़ी है, आपको आती है N4 लेवल तक की जैपनीज, तो आप बेसिकली एंट्रेंस बेस आप उस कोर्स में एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 के बारे में। करते हैं वीडियो को शुरू। मेरा नाम रोहित, आप देख रहे हैं जुनूंगो देवा हाजी मेमा शो। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 की जो वोकैबुलरी है। ठीक है ना, वोकैबुलरी से बुम्पो तक जाएंगे, बुम्पो से होनबुन पे जाएंगे, होनबुन से वर्कबुक पे जाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे। चैप्टर नंबर 11 है, काफी अच्छा चैप्टर है। वोकैबुलरी की बात करें तो फर्स्ट जो वोकैबुलरी है वह कुरासी। कुरासी मतलब होता है लाइफ, जीना, जीवन, आपका जो जीवन है या फिर आपका जीना जो बोलते हैं ना, नॉर्मल जीते हैं उसको हम बोलते हैं कुरासी। चैप्टर में यूज करेंगे तो अच्छे से वोकैबुलरी को पढ़ना गाइज। जब हम चैप्टर को रीड करेंगे ना, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वोकैबुलरी, बुम्पो, सभी चीज़ों को अच्छे से देख के चलोगे तभी आप N3 में कुछ अच्छा कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारी शुई। शुई मतलब होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब चारों ओर। नेक्स्ट है साइशो। साइशो इज बिगनिंग, फर्स्ट। नेक्स्ट है कोप्पू इज कप। नेक्स्ट है रेंज। रेंज मतलब होता है लेंस। कागामी इज मिरर। नेक्स्ट है केइकोतो। केइकोतो इज फ्लोरोसेंट लैंप जो होते हैं, वाइट, जो नॉर्मल CFL लाइट्स होती हैं, इनको बोलते हैं केइकोतो। ओके, नेक्स्ट है कुमियावासे इज कॉम्बिनेशन, नाबे इज पोर्ट, हॉट पैन भी बोल सकते हैं, सही हो इज मैन्युफैक्चरिंग मेथड, शोगेकी इज शोग, इम्पैक्ट क्रैश भी बोल सकते हो आप, हिबी इज क्रैक, जो होते हैं छोटे छोटे क्रैक आ जाते हैं कई बार शीशे में उसको बोलते हैं हिबी। काकेरा होता है फ्रैगमेंट, ब्रोकन पीस जो होते हैं शीशे के, जब शीशा टूटता है उसमें से काफ़ी सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है वो, ठीक है ना, छोटे छोटे पीस में बढ़ जाता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं काकेरा। नेक्स्ट है हाहेन। हाहेन मतलब होता है ब्रोकन पीस, जो चीज़ें टूट गई, मतलब काकेरा को ही हम हाहेन भी बोल सकते हैं बेसिकली। ठीक है, सुबी इज ग्रेन, बीड, काउंटर स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट, छोटी छोटी चीज़ों को जब हम काउंट करते हैं ना तो उसमें हम सुबी यूज़ करते हैं, जो बीन्स की प्रॉपर्टी में, बीन्स के जैसे जैसे दिखते हैं ना छोटे छोटे कण जो होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उनको हम काउंट करने के लिए सुने सुबू यूज़ करते हैं। ओके, आना इज होल। नेक्स्ट है सेन ई। सेन ई मतलब होता है फाइबर। फाइबर आपने सुना होगा नाम, काफ़ी यूज़ करते हैं मटेरियल को हम फाइबर को, जो ग्लास से ही बनता है बेसिकली। ओके, ग्रासू सेन ई मतलब ग्लास फाइबर। नेक्स्ट है मेन इज कॉटन। नेक्स्ट यहाँ पे दान्य सुजाई। दान्य सुजाई मतलब हीट इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं उनको बोलते हैं हम दान्य सुजाई। यहाँ पे है HET लिखा हुआ है, HEAT होता है हीट की स्पेलिंग। ओके, यहाँ पे गलत लिखी हुई है। नेक्स्ट है मोमेन। मोमेन मतलब होता है कॉटन मटेरियल जो होते हैं, किनो इज सिल्क। नेक्स्ट है शोबोफुकू। शोबोफुकू इज फायर फाइटिंग क्लोथ जो होते हैं उनको बोलते हैं। कातेन इज कर्टेन, कर्टेन जो होता है हमारा पर्दा होता है उसको बोलते हैं। हेरोमेटो इज हेलमेट, बोटो बोट। ठीक है, इन सब में देखोगे आप ग्लासेस का यूज़ होता है, जो फाइबर होता है उसका यूज़ इन सब में होता है, हेलमेट में भी होता है, बोट में भी यूज़ करते हैं फाइबर का। ओके, नेक्स्ट है बो तका। बो तका तो भी मतलब होता है पोल वोल्ट जो होता है, आपने गेम देखा होगा पोल वोल्ट का, तो उसमें यूज़ उसका जो पोल होता है वो भी इसी से बना होता है। इता इज बोर्ड, है ना। नेक्स्ट है जिंको। जिंको मतलब होता है मैन मेड आर्टिफिशियल। मैन मेड आर्टिफिशियल मतलब जो आदमी के द्वारा, लोगों के द्वारा बनाई गई ये आर्टिफिशियल चीज़ें उनको बोलते हैं जिंको। ओके, नेक्स्ट है मुसुबित्सुकी इज कनेक्शन। नेक्स्ट है याकुदात्सु इज टू बी यूजफुल। नेक्स्ट है शुई मीमामासु मतलब टू मेक वंस अराउंड, अपने आसपास की ओर, अपने आसपास या चारों तरफ देखना। ओके, काकोमो इज टू सराउंड। कीजुकु इज कुरुमानी कीजुकु मतलब टू नोटिस, मैंने कार को नोटिस किया। ठीक है, नेक्स्ट है उमिदासु इज टू प्रोड्यूस। सुगुरेरु टू एक्सीलेंट। तोकेरु टू मेल्ट। तोसु इज टू पास थ्रू। सुगुरेदासु इज प्रोड्यूस। उकेरु टू रिसीव। नेक्स्ट यहाँ पे गाइस हायरु। हायरु इज टू एंटर। तोबी चिरु टू फ्लाई अराउंड, आसपास जब चीज़ें उड़ने लग, जैसे कोई मिट्टी होती है ना, मिट्टी को हम उड़ा देते हैं तो उड़ने लगती है हवा में, है ना, तो उसको तोबी चिरु बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है तोगारु। तोगारु का यहाँ पे मीनिंग नहीं लिखा हुआ, अब ये कौन सा तोगारु है, कांजी तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं भी नहीं बता सकता ऐसे, तो चैप्टर में यूज होगा तभी हम देखेंगे वहीं पे। नेक्स्ट है इकिदासु मतलब टू पुल आउट। सुतायरु टू टेल, बताना, कुछ कहना। सुतायरु। मोयरु इज टू बर्न। टेकिसुरु इज टू फिट।
नेक्स्ट है फुकामारो, फुकामारो इज टू डीपन, सुरदोई, सुरदोई हम बोलते हैं शार्प है ना, ये एडजेक्टिव है सुरदोई शार्प मतलब। नेक्स्ट है जिंकोथेकी, जिंकोथेकी इज आर्टिफिशियल अननेचुरल जो चीज़ें होती हैं हम उनको बोलते हैं जिंकोथेकी। ओके तो ये हुई आपकी चैप्टर 11 की जो वोकैबुलरी है ये सब हमने कवर करी। अब हम चलते हैं बुम्पो की ओर। सो गाइज यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 की अब हम ग्रामर पे चलते हैं। ग्रामर यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट पैटर्न है आपके सामने धाके देमो, ठीक है, धाके देमो या फिर धाके देवा कोई भी आप यूज़ करिए, मीनिंग होता है ओनली, धाके जैसे होता है ऐसे ही धाके देमो धाके देवा ओनली का ही मीनिंग देता है, लेकिन यहाँ पे एक एज अ ग्रामर ये यूज़ कर रहे हैं। गाइज हम सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस से काफ़ी अच्छा आपको आइडिया लग जाएगा कि ग्रामर पैटर्न एग्जैक्टली बताना क्या चाहता है, आपको सिखाना क्या चाहता है, ठीक है। कि कोनो कोवा अतामगा ई कारा सत्सुमेओ सुकोशी कीता धाके देमो सुगवा कारो, कि इस बच्चे का बहुत शार्प माइंड है इस वजह से थोड़ी भी एक्सप्लेनेशन सुनता है, थोड़ी भी एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, सच में एक्सप्लेनेशन सुकोशी की तदा के देमो, कि थोड़ी भी अगर वो एक्सप्लेनेशन सुनता है तो उसको सुगुआ का कि बहुत जल्द समझ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे अक्सर आप हिंदी में बोलते हो कि थोड़ा भी वो सुनता है अगर नॉर्मली, कि उसे आप सिर्फ दिखा दो तो उसी से वो याद कर लेता है, ठीक है ना। तो मिसेता दा के देमो ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यूज़ करोगे पैटर्न का। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका कि वाताशिवा आस्तिगा योवाई करा चौथो आरवी तदा के देमो सुकारे दशमी को, मतलब मेरे जो पैर हैं मेरे जो लेग्स हैं वो काफ़ी वीक हैं, इस वजह से थोड़ा भी मैं चलता हूँ तो सुकारे दशमी मैं थक जाता हूँ, मैं बहुत टायर्ड हो जाता हूँ, जल्दी से थक जाता हूँ, ठीक है। तो दाके देमो या दाके देवा जो पैटर्न है आपका इस तरीके से आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस है आपका नानी नानी हो दो। ओके तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो आपका देखोगे आप कि एक डिग्री को शो करता है सेंटेंस आपका, दैट मच या डिग्री उतना ज़्यादा आपकी एक डिग्री एक एक्सेंट को शो करेगा ये पैटर्न आपका। तो जो सेंटेंस है सेंटेंस क्या है कि किनोवा अतमागा इताकुते निरारे नाई हो तो दाता, कि कल मेरे हेडक था निरारे नाई हो तो दाता, कि इतना ज़्यादा हेडक था कल मेरे कि मैं सो नहीं पाया, ठीक है, या निरारे नाई हो दो कि इतना था कि मैं उस हद तक मेरे हेडक था या उस हद तक मेरे सर में दर्द हो रहा था कि मैं सो नहीं पाया। निरारे नाई इज पोटेंशियल फॉर्म, निरारे नाई हो दो मतलब उतना ज़्यादा कि मैं सो नहीं पाया था। ओके तो एक डिग्री को शो करेगा कि उतना ज़्यादा या इतना ज़्यादा आप जितना भी बोलना चाहो उतना ज़्यादा, ठीक है। तो सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस देखो कि यो में नाई हो दो नो चीसाना जी दे काई देर, कि यो में नाई हो दो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे तो पोटेंशियल फॉर्म आप यूज़ कर रहे हो लेकिन हो दो जो लग रहा है वो आपकी डिग्री को ही शो करेगा, ठीक है। कि यो में नाई हो दो मतलब कि इतना छोटा वो लिखा हुआ है, इतने छोटे छोटे कैरेक्टर में वो लिखा हुआ है कि मैं उसे पढ़ नहीं सकता, ठीक है, या मैं पढ़ नहीं पाया या पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं उसे, इतना सारा इतने छोटे छोटे वर्ड में वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। चीसाना जी दे काई तेयर, ओके होता ना कभी कभी आप इतने न्यूज़पेपर में होता है कि कभी छोटे छोटे वर्ड लिखे होते हैं तो अक्सर आप उसे पढ़ नहीं पाते, या फिर काफ़ी दूर से आप किसी बोर्ड को देख रहे हो तो आप बोल रहे हो कि यार मैं इतना छोटा लिखा हुआ है मतलब मेरे को इतना ऐसे दिख रहा है कि मैं पढ़ नहीं सकता, बहुत छोटा दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो यो में ना ही हो दो चीसाना जी दे काई तेयर ऐसे आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से एक डिग्री को शो करने के लिए ये पैटर्न आप यूज़ करते हो दो। ओके नेक्स्ट जो पैटर्न है आपका वो है तो चिगाते, नानी नानी तो चिगाते मतलब उससे अलग उससे विपरीत, ठीक है। एक बार तो चिगाते मतलब उससे अलग सेंटेंस देखो क्या है कि निहोन वा अमेरिका या चुगो को तो चिगाते शिमागुनी देरो, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जापान जो है वो अमेरिका और चाइना से अलग या अमेरिका और चाइना से विपरीत शिमागुनी देरो एक आइलैंड कंट्री है। ओके नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपका कि पुरास्चिक वा कामी तो चिगाते मिजुनी चियोई, मतलब क्या हुआ कि जो प्लास्टिक है वो कामी तो चिगाते पेपर से अलग मिजुनी चियोई, कि पानी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। हाँ आपने देखा होगा कि पानी को आप पेपर पे डालोगे तो वो पेपर ख़राब हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप प्लास्टिक के ऊपर पानी डालोगे या प्लास्टिक को पानी में डालोगे तो वो उसको कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि जो प्लास्टिक होती है वो पेपर से अलग वाटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है या फिर वो वाटर को झेल लेती है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गाइस फोर्थ जो हमारा ग्रामर पैटर्न है वो है आपका नाउन निकवाते, नाउन निकवाते आपका यहाँ पे इंस्टेड ऑफ की बजाय, निकवारी नी जैसा होता है वैसे ही निकवाते आप बेसिकली सेंटेंस के बीच में जोड़ने के लिए आप निकवाते यूज़ कर रहे हो नाउन निकवाते। तो मीनिंग आएगा कि की बजाय इंस्टेड ऑफ वगा ही तो चीनो आयदा देवा तेगामी निकवाते देन की देनवा गा यो को सुकवा रहे थे, मतलब
जो यंग पीपल है उनमें तेगामिनी कवत्ते यानी कि इंस्टेड ऑफ लेटर्स, ठीक है, कि पत्र के बजाय देंगमा गा योको सुकवाते, कि फोन अक्सर यूज किया जाता है, मतलब अच्छे काफी ज्यादा फोन यूज करा जाने लगा है। आप देखोगे अक्सर आप हम या हमारी जनरेशन के जो भी लोग हैं या आजकल सभी लोग लेटर को इतना यूज नहीं करते, लेटर के द्वारा कम्युनिकेशन इतना नहीं होता जितना फोन का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वही चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि बजाय जो नाउनी कवत्ते पैटर्न है वो आपका इंस्टेड ऑफ की बजाय वाला मीनिंग देगा। ओके, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पैटर्न, वो है नानी नानी मादे। नानी नानी मादे स्टिल तक, ये आपने नॉर्मली एन फाइव में भी सीखा होगा, मादे मतलब तक होता है, टिल। तो वही ये बता रहे हैं कि वाता शिवा तोतेमो नो, कि भाई ये बता रहे हैं कि वाताशिवा तोतेमो नो दोगा कवाई ते इतानो दे, कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है इसलिए तुम दाचिनो जूसु मादे योंदे शिमता, कि मैं मुझे इतनी प्यास लग रही थी कि मैं अपने फ्रेंड का जूस तक पी गया, कि वो मेरे फ्रेंड का जूस था लेकिन मैं अभी उसे भी पी गया, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी इस वजह से मैंने वो पिया। तो ऐसा हम हिंदी में अक्सर बोल देते हैं गाइज, ये हिंदी से आप इक्वेलेंट सेंटेंस देख सकते हो कि मादे जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो ना कि उसने मुझे इतने बुरे बुरे वर्ड बोले कि मैंने उसके एक चांटा तक मार दिया था, ठीक है। तो ऐसे आप बेसिकली हिंदी में बोलते हो, हर लैंग्वेज में बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको हिंदी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा अपनी लैंग्वेज में जब कुछ चीज़ें सीखते हो आप, तो कुछ ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपकी ग्रामर पैटर्न है वो है आपकी सिक्स्थ ग्रामर पैटर्न, वो है नानी नानी नीच गाई नाई। नीच गाई नाई होता है इस नो डाउट डेफिनेटली, ये तो होगा ही होगा, नीच गाई नाई मतलब नो डाउट, कोई इसमें संदेह वाली बात नहीं है, नीच गाई नाई डेफिनेटली ऐसा होगा ही होगा, या फिर जो भी सेंटेंस मीनिंग देगा डेफिनेटली वाला ही मीनिंग देगा। ओके, रेजो कुनी इरेते ओइता केकेगा नाई, मतलब कोई भी रेफ्रिजरेटर में कोई भी केक नहीं है, इमोत होगा ताबेता नीच गाई नाई, डेफिनेटली मेरी बहन ने खा लिया होगा, छोटी बहन ने, या फिर नो डाउट कि उसने ही खाया होगा, या फिर डेफिनेटली उसने ही खाया होगा, ठीक है। आप ऐसे अक्सर यूज़ करोगे इस अक्सर या हमेशा ही ऐसे आप यूज़ करोगे इस पैटर्न का, ठीक है। नीचे गाइना याद रखना, काफ़ी यूज़ होता है ये एंट्री लेवल पर, N2 लेवल, बेसिकली N2 लेवल की ग्रामर का इस ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अब यहाँ पे कुछ गोकू वाले वर्ड्स हैं, वैसे तो इन्हें ग्रामर पैटर्न में हम नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें सफिक्स आप देखोगे और कुछ कुछ ग्रामर पैटर्न भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पैटर्न यहाँ पे क्या है कि किरेनाई, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्या है किरेनाई। तो यहाँ पे ये कोई पैटर्न नहीं है, बेसिकली ये एक सफिक्स के तौर पर हम यूज़ करते हैं कीरू का, ठीक है, जो कीरू होता है। तो हम एक कीरू पैटर्न होता है N3 N2 लेवल पर आप सीखोगे कि कीरू मतलब होता है, जैसे हम तेशिमाओ करके हम बोलते हैं ना कि कोई काम आप कंप्लीटली खत्म कर लेते हो, ऐसे ही आप कीरू को भी यूज़ करते हो, ठीक है। स्टैम्प फॉर्म प्लस कीरू, योमी कीरू कोनो शोशेत्सु ओ योमी कित्ता, यानी कि मैंने इस नोवल को कम्प्लीटली पढ़ लिया, योमी कित्ता योमी मास स्टैम्प फॉर्म प्लस कीरू योमी कीरू, या फिर मैंने बोला पास्ट के लिए मैंने बोला तो योमी कित्ता, ठीक है, मैंने इसको नोवल को कम्प्लीटली पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे है किरेनाई, अब यहाँ पे किरेनाई लग गया तो मैं आप इसको कम्प्लीटली कोई काम नहीं कर पाए, उस सिचुएशन में आप यूज़ करोगे इस पैटर्न का, यानी कि ताबे किरेनाई ओबोए किरेनाई चुकाई किरेनाई हायरी किरेनाई, यानी कि मैं इसको कम्प्लीटली खा नहीं पाया, या मैं इसको कम्प्लीटली याद नहीं कर पाया, मैं इसको कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर पाया, या फिर मैं इसको मैं कहीं पर एंटर नहीं कर पाया, ठीक है। तो सेंटेंस देखो, सेंटेंस पढ़ के समझ जाओगे कि रियोरी का ओकुते, कि बहुत सारी क्यूजिन है ताबे कीरे न कत्ता, मैं सभी को नहीं खा पाया, हानबुन इजो नकोते शिमत्ता, हानबुन इजो नकोते शिमत्ता, यानी कि आधे से ज्यादा बच गई थी। ओके, तो ताबे कीरे न कत्ता मतलब मैं सबकी सारी की सारी नहीं खा पाया था, इस वजह से आधे से ज्यादा क्यूजिन बच गई थी, क्योंकि बहुत सारी क्यूजिन थी। ओके, नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे सफिक्स दे रखा है वो है दासु, वर्ब की स्टैम्प फॉर्म प्लस दासु, ठीक है। तो जो दासु का पैटर्न आप यूज़ कर, बेसिकली पैटर्न ये है, वर्ब वर्ड के साथ आप देखोगे लगेगा ये वर्ब के साथ अक्सर यूज़ करते हैं दासु को, तो इसका मीनिंग क्या होता है, आउट वाला मीनिंग देता है ये, है ना। जैसे आप देख सकते हो कि हिकी मास, या फिर हिकी दासु, हिकी मास मतलब टू पुल होता है, हिकी दासु मतलब पुल आउट, ठीक है। तोरी दासु इज टू टेक आउट, योबी दासु इज टू कॉल आउट, सासोई मास या फिर सासोई दासु मतलब टू इनवाइट आउट, सासोई मास तो इनवाइट होता है लेकिन सासोई दासु इज टू इनवाइट आउट, ठीक है। तो इस तरीके से आप आउट वाला मीनिंग लेते हो इस
सफिक्स से किसी भी वर्ब में ले सकते हो बेसिकली, है ना। या फिर दूसरा इसका यूज़ क्या हो सकता है कि जब हम कोई काम की शुरुआत करते हैं, ठीक है, कोई काम करना हम शुरू करते हैं, जैसे किसी दोस्त ने या फिर मैंने कोई अभी जोक मारा और आप हंसने लगे, तो आपने हंसना शुरू कर दिया, ठीक है, तो मैं आप यहाँ पे वराई दासू बोल सकता हूँ, ठीक है, वराई दासू मतलब हंसना शुरू कर दिया, ठीक है। और दूसरी जगह इसका जैसे चुकुर दासू, उमी दासू, ये कानगा दासू, ये वर्ड हैं, इनके साथ इसका मीनिंग बेसिकली फिक्स ही रहता है कि चुकुर दासू टू प्रोड्यूस करना, टू मैन्युफैक्चर करना, उमी दासू टू प्रोड्यूस करना, टू क्रिएट करना, है ना, कानगा दासू टू कंसिडर करना, तो ये सब तो फिक्स ही रहेंगे, लेकिन दो जगह बेसिकली इसका मोटा मोटा यूज़ होता है कि आउट के लिए, जैसे टेक आउट, टू टेक आउट हो गया, जैसे टू पुल आउट हो गया, है ना, टू इनवाइट आउट हो गया, ऐसे आप आउट वाला मीनिंग लेते हो। और दूसरा आप तो जब कोई किसी काम की आप शुरुआत करते हो तो उस तरीके से आप इसमें मीनिंग लेते हो, जैसे ना कि दासू, वराई दासू, है ना, अकोरी दासू, तो ये सब टू बिगिन वाला सेंस देंगे आपको। बाकी जो इसका एक सेंटेंसेज, यहाँ पे दो सेंटेंसेज हमने लिए हैं, ये भी देख लेते हैं कि कबांग कारा होन ओ तोरी दाश्ता, कि मैंने अपने बैग से बुक निकाली, ठीक है, वताश्ता चिनो नोत्ता किशा वा युक्कुरी उगो की दाश्ता, मतलब हम जिस स्टीम ट्रेन में बैठे थे वो धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई, ठीक है ना, उगो की दाश्ता, उसने मूव करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों के अलग अलग सेंटेंसेज देखोगे आप यहाँ पे, इसमें आउट वाला मीनिंग आ रहा है टू टेक आउट, जैसे हम बोलते हैं आउट वाला मीनिंग, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, और यहाँ पे टू बिगनिंग वाला, कि टू बिगनिंग नहीं बेसिकली टू बिगिन वाला मीनिंग आ रहा है, कि ऐसा शुरुआत हो गई है, किस चीज़ की स्टार्टिंग हो गई है। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड है आपका सफिक्स के तौर पर, यहाँ पे सुकू यूज हुआ है, सुकू मुसुबी सुकू, मुसुबी सुकू, यहाँ पे वर्ब की स्टैम्प फॉर्म आप इसमें डालोगे और सुकू आप ऐड कर दोगे, तो बेसिकली यहाँ पे जो टू अटैच के लिए हम दो चीज़ों का अटैच होना या दो चीज़ों का कनेक्शन में आना, उस सिचुएशन में हम इसको सफिक्स को यूज़ करते हैं। सेंटेंस यहाँ पे देखो कि ये नी कायता तो कि इनूगा योरकोंदे वाताशिनी तो भी चीता, ठीक है ना, तो वो मेरे ऊपर उछला, ठीक है ना, कि उसने मेरे ऊपर जंप किया या मेरे ऊपर वो उछला, कि जब मैं घर पे लौटा तो मेरा जो कुत्ता था या मेरा जो डॉगी था वो खुशी से मेरे ऊपर कूदा, ठीक है ना, टू जंप एट, उसने मेरे ऊपर जंप किया, ओके। तो या फिर टू फ्लाई, यहाँ पे तो भी का मतलब यहाँ पे फ्लाई नहीं लेंगे हम, तो जंप ही लेंगे बेसिकली, उसने मेरे ऊपर वो कूदा है क्योंकि, ठीक है ना, इतना तो बोलेंगे मेरे ऊपर उड़ा, ऐसे तो नहीं बोल सकते, है ना। तो चुकू का जो यहाँ पे सफिक्स यूज हुआ है वो ऐसी जगह यूज होगा जहाँ पे दो चीजें एक दूसरे से अटैच हो रही है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रही है ना। वर्ब के साथ ही आप यूज करते हो बेसिकली, कहीं सेंटेंस में वर्ब ही यूज होगी, इसकी वर्ब के साथ ही कहीं ना कहीं पे यूज हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका फोर्थ यहाँ पे जो आपका सफिक्स है वो है, सफिक्स नहीं है यहाँ पे, मुसुबित्सुकू या मुसुबित्सुकी, मुसुबित्सुकी मतलब होता है कनेक्शन, संबंध, और मुसुबित्सुकू होता है टू किसी से संबंध बनाना या फिर किसी से टू कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है वो देखो कि केजाई तो सेजी तो नो मुसुबित्सुकी वा मास मास फुकमाते कुदारो, कि शायद इकोनॉमी और जो गवर्नमेंट है उनकी जो कनेक्शन है, मुसुबित्सुकू संबंध है, जो उनके कनेक्शन है वो बहुत मास मास फुकमाते कुदारो, वो काफ़ी ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई ये सफिक्स नहीं है, सिर्फ वर्ड नॉर्मली वर्ड दिया हुआ है, मुसुबित्सुकू या फिर मुसुबी, मुसुबित्सुकी या मुसुबित्सुकू, मुसुबित्सुकी मतलब कनेक्शन, मुसुबित्सुकू मतलब ये वर्ब, एज अ वर्ब यहाँ पे यूज हुआ। ओके, नेक्स्ट जो है आपका फिफ्थ, इस यहाँ पे सफिक्स की तरह यूज हुआ मारू, ठीक है। मारू इज लाइक मैंने बोला एडजेक्टिव को जब आपको वर्ब और मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब में शो करना हो तब आप कैसे यूज करोगे। लाइक मैंने बोला हीरोई मतलब होता है वाइट, ये एडजेक्टिव है, आपको भी पता है ये एडजेक्टिव है, ये टाइप एडजेक्टिव। तो हीरो मारू इज इंट्रांजिटिव वर्ब, हीरो मेरू इज ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। तो मारू इज इंट्रांजिटिव और मेरू इज ट्रांजिटिव, ध्यान रखिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपने N4 लेवल पर भी सीखा होगा, N3 में सीखा हो ना हो, लेकिन N4 पे आपने डेफिनेटली सीखा होगा। नॉर्मली आपका जो GP2 कोर्स था उसमें आपने जरूर सीखा होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जब ई एडजेक्टिव को आप या ना एडजेक्टिव को आप, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जब आप एडजेक्टिव को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में शो कराना हो तब आप कैसे बोलोगे। तो जैसे यहाँ पे फुकाई है तो फुकाई मतलब डीप, तो ई एडजेक्टिव है तो फुका मारू उस इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, और फुका मेरू इज ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। सियोई इज सियो मारू और सियो मेरू, ओके ये भी ट्रांज, ये जो ये वाला पोर्शन है ये आपका
इंट्रांजिटिव का है और ये वाला पोर्शन आपका ट्रांजिटिव का है, ठीक है। तो जो मेरू लगाओगे आप ट्रांजिटिव के लिए लगाओगे, मारू लगाओगे तो इंट्रांजिटिव के लिए लगाओगे। चलिए यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिया है, उसको पढ़ते हैं, उससे समझते हैं कि कैसे आप यूज़ करोगे, किस तरीके से मीनिंग निकलेंगे। दायगाक्सेनो नकाकारा कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुमात तेरू ही तो भी दो ताश के तेकताई तो यू कोएगा तकमत्ता। तकमत्ता आप आपने देखा होगा माँ आ रहा है तो माँ मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब को शो कर रहा है कि कोएगा तकमत्ता की मतलब आवाज़ उठने लगी, ऐसी आवाज़ उठने लगी, इंट्रांसिटिव है ना, कोई एक्शन हो रहा अपने आप से होने लगा कि कुमातेरु हितो भी तो वो तास्के देखता है कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं वो ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं जो लोग बहुत ट्रबल में हैं, जो बहुत समस्या जो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी हेल्प करना चाहते हैं, ऐसी आवाज़ें उठनी लगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ करोगे इन ये मारू जो सफिक्स है एक तरीके से आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बना के दे देता है आपके। लेकिन बस याद रखना कि ये यहाँ पे ये ई एडजेक्टिव के केस में ही चलता है, ये बाकी जो नॉर्मल आपके नॉन एडजेक्टिव होते हैं उनमें आप ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। तो चलिए आप आई होप आपको ये तो समझ आ ही गए होंगे ग्रामर पैटर्न। अब हम चलते हैं अपनी ऑनमून की ओर। सो गाइज अब हम चैप्टर नंबर 11 की होनमुन पे आते हैं। यहाँ पे ग्लासनो रियो चैप्टर का नाम है, मतलब ग्लास का यूज़, ग्लास मतलब वही शीशे वाला ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चन हैं, ये आपको होनमुन रीड करने से पहले कुछ रीड करो, आंसर देने की कोशिश करो, ओके। बाकी अब हम जो मेन होनमुन है होनमुन को रीड करना शुरू करते हैं। ग्रासुआ वाताचिनो कुरासी नी ताइन याकुदा तेरो, मतलब ग्लास हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। चोत्तो शुयो मवाश्ता ताके देमो काजोए किरे नहीं हो दोनों ग्रासु से हिन नी खाको मारे तेरु को तो नी की जुकदारो, कि आप अपने थोड़ा आसपास देखोगे सुयो मवाश्ता दाके देमो कि अपने आसपास आप देखोगे नज़र फेर के तो काजोए किरे नहीं मतलब इतने ज़्यादा, काजोए किरे नहीं मतलब होता है काउंटलेस, जिसको आप काउंट ना कर पाओ, ठीक है। काजोए किरे नहीं हो दोनों ग्रासु से हिन नी खाको मारे तेरु को तो नी की जुको, आप नोटिस करोगे कि आपके आसपास इतने सारे ग्लास प्रोडक्ट हैं जो आप काउंट नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट है ग्रासुआ किया इसी तो चिगाते निंगेन गा मोनो ओ सुकुरुता मेनी उम्मीदाश्ता, ग्लास का लोगों ने लकड़ी या पत्थर से अलग निंगेन गा लोगों ने मोनो को बनाने के लिए, मोनो ओ सुकुरु यानी कि चीज़ों को बनाने के लिए इसको प्रोड्यूस किया, उम्मीदाश्ता मतलब प्रोड्यूस करना। साई शोनो जिनको तेकिना जायरे दे अरु यानी कि काफ़ी शुरुआती ये आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल मटेरियल है। याकु गोनेन से मायनी सुकुरारे कि लगभग 5000 साल पहले बनाया हुआ ये नगाई रेकिसियो मोत्सुगरा सुनिवा, ये जो इतनी बड़ी इतनी पुरानी या इतनी लंबी जो हिस्ट्री रखने वाला एक ग्लास है इसमें सुगुरेता से सित्सुगा तकसन अरु, इसमें काफ़ी सारी एक्सीलेंट प्रॉपर्टी है इसकी। सोनो ओमोना मोनो ओ आगे तो उन मेन चीज़ों को अगर हम दें उनकी बात करें तो नेत्सुनी तो के आसको कि ये गर्मी में आसानी से पिघल जाता है, ठीक है। तो के आसको मतलब आसानी से इसे पिघला सकते हैं, नेत्सुनी है ना, इसे हीट से आसानी से पिघलाया जा सकता है। दोन्ना कताचीनी देमो खाको सियासी कि किसी भी शेप में इसको ढालना आसान है। तोमे दे हिकारी ओतोसो कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, इस वजह से इसमें से जो लाइट है वो पास हो जाती है। और मिजुया कुकी ओ तो सनाई मतलब जो हवा और पानी है वो इसमें से पार नहीं हो पाते, वो इसके आर पार नहीं जा पाते। ना दोनों से सित्सु देरु इसकी ये सब प्रॉपर्टी है। खोरे रानो से सित्सु ओ इकाशते इन सभी प्रॉपर्टी का गुड यूज़ में ला करके अच्छे से यूज़ करके ईए या नोरी मोनो नो मा दोनों को रासु कोप्पू या बिन रेंसु रेंजु या कागामी कई को तो ना दोनों से हिंगा सुकुरारे तेरो, ठीक है। मतलब इसका गुड यूज़ में ला करके हमने घरों की और व्हीकल्स की खिड़कियों ग्लास में मतलब यानी कि कप और बिन मतलब बोटल्स में रेंजु या कागामी लेंस और मिरर में कई को तो इस फ्रेगमेंट जो लैम्प होते हैं नॉर्मली जो वाइट लैम्प होते हैं CFL जैसे कि मैंने बताया था आपको कैबलरी में, इन सब में इसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इन सब प्रोडक्ट में बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सोचते निनगेनवा और लोगों ने सामा जामना गुरासु से हीन ओ चुकुत्ता दाके देना को कि उन्होंने लोगों ने सिर्फ इतने सारे ये प्रोडक्ट ही नहीं बनाए बल्कि गेंद्रियो नो कुमियोवा से ओ कायरु को तो नहीं होते कि इसकी रो मटेरियल के कॉम्बिनेशन को चेंज करके योरी सुगुरेता सही सित्सु
योरी सुगुरेता से सित्सुनो ग्रासु और सुगुरदासु को तो नहीं सही कुछ था, मतलब उन्होंने रॉ मटेरियल के कॉम्बिनेशन को चेंज करके अलग अलग ग्लास बनाने में सक्सेस पाई है, अलग अलग प्रॉपर्टी के ग्लास बनाने में सक्सेस पाई है। राइट साइड में एक फोटो भी देखने को मिल रही है आपको, ये हमारी ग्रुप फोटो है तीनों फ्रेंड की, हम ऋषिकेश घूमने गए थे, वहाँ पे हमने क्लिक करी थी न्यू ईयर पे, अभी जो न्यू ईयर गया है ठीक है। तो इसके पीछे एक फ़ोटो थी, मुझे उसको छिपाना पड़ा किसी वजह से, आप समझ सकते हो ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपका, काकाकू याकुहिन ओ इरेरो बिन्नी सुकावारेरो कुसुरिनी चोयगरासु नाबिनी सुकावारेरो ताइने सुसई ग्रासु नादोनी सोनो रे देरो। इसके एग्जाम्पल, इस ग्लास के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इन्होंने बताया, कौन से ग्लास के, कि जो इन्होंने अच्छे अच्छे एक्सेलेंस प्रॉपर्टी के जो ग्लास बनाए उसके एग्जाम्पल क्या है, कि आप देखोगे कि जो साइंटिफिक केमिकल होते हैं उसे जिन बोतलों में रखा जाता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है ग्लासों को ठीक है। और कुसूरी नी स्योई ग्रासो, मतलब ऐसे ग्लास जो कि केमिकल में स्ट्रॉन्ग हो ठीक है ना, केमिकल को झेल सके ठीक है। नेक्स्ट नाबेनी सुकवारेरो ताइने सुसई नो ग्रासो नादोनी, और पोर्ट में यूज़ होने वाले जो हीट एग्जॉस्ट करने वाले प्रॉपर्टी के जो ग्लास हैं वो इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं ओके। नेक्स्ट है माता सुगुरेता से सित्सुनो करासुआ ठीक है, जो एक्सलेंट प्रॉपर्टी के जो ग्लास हैं ये सही हो ओ कायरो को तो नहीं होते सुकुरी दासा रहता, कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग मेथड को चेंज करके ये बनाए गए हैं। तातोएबा एग्जांपल के तौर पर क्या है कि जिदोशा या मादोया बिरुनो दवानिया, कि कार की खिड़कियों या फिर बिल्डिंग के डोर्स में सियोई शोगे की ओ उगेतेमो, इनको एक भारी इम्पैक्ट पड़े फिर भी ही भी गा हायरू दाके दे, कि सिर्फ उनमें क्रैक आएगा काकेरा गा तो भी चिरानाई गरासुया वारे तेमो सुरुदोकू तो गत्ता हाहेन नी नाराजो, मतलब सिर्फ उनमें भारी क्रैक आएगा, मतलब भारी इम्पैक्ट डालने पर भी उसमें सिर्फ क्रैक आएगा, वो फ्रैगमेंट में नहीं बिखरेंगे ठीक है, वो छोटे छोटे पीसीज में नहीं बिखरेंगे, या फिर वारे तेमो अगर वो टूट भी जाएं तब भी सुरदो कुतो गत्ता हाहेन्नी नाराजो, वो बिल्कुल एक शार्प जो होते हैं ना बिल्कुल नुकीले कांच होते हैं ऐसे कांचों में नहीं टूटेंगे, वो बिल्कुल चुबु नो यो ना हाहेन्नी नारु करासु का सियो सारे तेरू, मतलब एक ग्रेन के जैसे फ्रेगमेंट में वो टूटते हैं ऐसे ग्लास यूज़ किए जाते हैं ठीक है। ऐसे ग्लास किस में यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली जो कार की विंडो होती है या फिर ग्लास जो डोर होते हैं बिल्डिंग के, आपने देखा होगा कार की जब शीशे टूटते हैं तो फिर वो एक छोटे छोटे पीसीज में टूटते हैं, वो बिल्कुल नुकीले पीसीज में नहीं टूटते ठीक है, ध्यान देना आप कभी अगर आपने देखा हो ग्लास टूटते हुए। तो यहाँ पे नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पर हमें आते हैं सारा, नेक्स्ट यहाँ पे सारा नहीं, इसके अलावा निनगेनवा लोगों ने नेत्सुनी तो की आसुको दोनों का ताची निमो काको सियासुको तो यो ग्रासुनो से चित्सुमोत्तो हिरोकु कात्सियो सुरु कैंक्यू ओ ओको नाते किता, मतलब लोगों ने ऐसे ग्लासेस की रिसर्च वो करते हुए आए हैं जो कि नेत्सुनी तो क्या सकूँ गर्मी में आसानी से पिघल जाएं, दोनों का ताची नीमो उसे मतलब गर्मी में आसानी से पिघला के हीट में आसानी से पिघला के किसी भी फॉर्म में आसानी से ढाल सके, ऐसे ग्लास की प्रॉपर्टी को उन्होंने भारी मोत्तो हीरो को कात्सियो सुरु काफ़ी भारी तौर पर काफ़ी वाइडली उन्होंने उसको यूज़ करके केंक्यूमो ओकोनाते किता, ऐसे रिसर्च भी वो करते हुए आए हैं। ग्रासु ओ तो काश्ते चीसाई आनाकारा हिकी दासु तो, ग्लास को मेल्ट करके एक छोटे से होल से, आना मतलब होता है होल, छोटे से होल से अगर उसे खींचते हैं पुल आउट करते हैं तो हिजोनी को मकाकू नगाई सेन ईनी शुरू को तो देखे रो, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा पतले और लंबे सेन ईनी शुरू को तो देखे रो उसको फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसे फाइबर बना सकते हैं। कोनो ग्रास हुआ सेन ईवा कोनो ग्रासु सेन ईवा, ये जो ग्लास फाइबर हैं इरोना तो कोरोदे याकुनी तत्तेरो, काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस पे आपको यूज़फुल होते हैं ठीक है। सेन ई मतलब होता है फाइबर ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट कांजी है बट याद करना जरूरी है। नेक्स्ट ग्रासु सेन ईदे सुकुत्ता मेनवा, जो नेक्स्ट क्या है कि ग्रास के जो फाइबर है उससे बनाए हुए जो कपड़े होते हैं, मेन मतलब कॉटन टाइप जो कपड़े होते हैं वो नेत्सु नी सुताई निकुई नोदे, गर्मी उनसे आसानी से पास नहीं हो पाती, हीट उनमें आसानी से अंदर जा नहीं पाती, इसलिए दान नेत्सु जाई तोष्ते ये नो काबे या रेजो को नो काबे नो नाकनी इरे डाले तेरो, मतलब उसको आसानी से उसमें से हीट आर पार नहीं हो पाती, इसलिए उसको हीट इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पर घरों की दीवारों या फिर
फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो होते हैं उनकी दीवारों में उसको लगाया जाता है। माता गरासु सेन ई दे सुकुत्ता निनो नूनोवा, माता गुरासु सेन ई दे सुकुत्ता नूनोवा की। और ग्लास फाइबर से बनाए हुए जो कपड़े होते हैं, नूनो मतलब क्लॉथ्स जो होते हैं, वो किमेन या किनो नो नूनो तो चिगत्ते मोयनाइता में। शो बो फुकू या काते नातोनी जारियोनी टेक्सटेरो, मतलब जो ग्लास फाइबर से बनाए हुए कपड़े होते हैं वो लकड़ी या फिर कॉटन, वो लकड़ी या फिर सिल्क के कपड़ों से अलग मोयनाइता में वो आसानी से जल नहीं सकते, बर्न नहीं हो सकते, इस वजह से शोबो फुकू यानी कि फायर फाइटिंग जो क्लोथ होते हैं, फायर फाइटिंग क्लोथ जो होते हैं या फिर कातेन कातेन पर्दे जो होते हैं हमारे घरों में खिड़कियों के पर्दे लगते हैं उनमें जायरियोनी टेक्सटेरू ऐसे मटेरियल में वो काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, प्रॉपर होते हैं ना, सुटेबल होते हैं। ओके क्या सुटेबल होते हैं, जो ग्लास सेनी से बनाए हुए कपड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रास सेन ईवा प्लास्टिक को सही हिनो सुकुरुतो की निमो रियो सारे तेरो, कि प्लास ग्लास फाइबर जो होते हैं ये प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाते समय भी इनका यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक को नी गुरासु सेन ई ओ इरेरु, तो प्लास्टिक में ग्लास फाइबर डालते हैं तो तेत्सुयोरी स्योई प्लास्टिक को नी नारो, कि एकदम तेत्सुयोरी स्योई प्लास्टिक, मतलब तेत्सु जो स्टील होता है उसके कंपेरिजन में काफ़ी हार्ड प्लास्टिक बन जाती है सिकामो, इसके अलावा सोरेवा तेत्सुयोरी जुत्तो कारोई, और वो स्टील से काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है। सोनो सोनोता में तेत्सुया की नहीं गवाते, इस वजह से स्टील या लकड़ी से अलग हेरमेटो या बोतो हेलमेट या बोट बो तका तो भी नो बो या सकी नो इतानी मादे गुरासु सेन ईगा सियो सारे देखो, कि बो तका तो भी पोल वोल्ट जो गेम होता है उसका पोल जो होता है, और या फिर सुकी नो इता स्किंग बोर्ड जो होता है वहाँ तक ग्लास सेन ई गा सियो सारे देखो, ग्लास फाइबर का यूज़ किया जाता है। निनगेनवा ग्रास तो यू जिंको नो जायरियो नो सुगुरेता सेसित्सु ओ रियोस्ते ओ कूनो से हिन ओ सुकुतिकेता, लोग ग्लास जैसे आर्टिफिशियल मटेरियल की एक्सलेंस प्रॉपर्टी का यूज़ करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हुए आए हैं सोरेदा के दिना को, यही नहीं बल्कि गेंद्रियो नो कुमियावा से या सही हो ओ काए, कि रॉ मटेरियल के कॉम्बिनेशन को चेंज करके या फिर सही हो ओ काए मैन्युफैक्चरिंग मेथड को चेंज करके अतरासी से सुनो ग्रासु ओ उम्मीदाश्ते की था न्यू प्रॉपर्टी के ग्लास उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। माता और ग्रासु नो सुगुरेता से सो हिरोकु कात्सुयोशी, ग्लास की प्रॉपर्टी को उन्होंने एक्सलेंस तरीके से यूज़ किया है अतरासी ग्रासु से हिन ओ सुकुरिदाश्ते की था। ठीक है, उसकी एक्सलेंस प्रॉपर्टी को यूज़ करके न्यू ग्लास प्रोडक्ट भी उन्होंने बनाए हैं। अदाशाचनो कुरासु तो गुरासु तोनो मुसुबिसुकी वा कोरेकारमो इश्तुफुकु मत्ते को नीचिगाई नहीं, डेफिनेटली नीचिगाई नहीं पैटर्न होता डेफिनेटली, कि हमारी लाइफ और ग्लास के साथ जो हमारे संबंध है वो कोरेकारमो इश्तुफुकु मत्ते रो, अब भी बहुत मोर एंड मोर डीप होते जा रहे हैं। ठीक है, मुसुबिसुकी होता है संबंध कनेक्शन। ओके, तो ये आपके जो चैप्टर था 11 चैप्टर की हॉर्नबुन हमने रीड कर ली, अब हम बढ़ते हैं इसके हॉर्नबुन के क्वेश्चन पर। ये आपके 11 चैप्टर की हॉर्नबुन के क्वेश्चन सित्सुमोन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको पढ़िए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए चैप्टर पढ़ने की, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप इनके आंसर भी अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे वर्कबुक है आपकी चैप्टर 11 की पार्टिकल क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से पढ़िए फिल करने की कोशिश कीजिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट और क्वेश्चंस आपके सामने हैं, यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को करिए अच्छे से, बाकी आपको कोई अगर डाउट है तो आप हमसे नीचे दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और वहाँ पे आपके आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, अभी तक के लिए यहीं तक फिनिश करते हैं, आपकी जो क्वेश्चंस अगर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ये सभी आपके जो क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, फिर तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है चैप्टर 11 की वर्कबुक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, सायनारा, अरिगातो गोजाइमासु।